नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, जो हमारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म जो बनाए जाते हैं अलग अलग एजेंट के द्वारा, जैसे कि एयर के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, वाटर के द्वारा कौन से बनाए जाते हैं, रिवर के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, जो रिफ्ट है, वैलीज हैं, ये सब बनाई जाती हैं, लेटरल इरोजन क्या होता है, वर्टिकल इरोजन क्या होता है, सब बातें, ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। तो एक बात और, हर वीडियो के अंतिम में हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको हम डेवलप कर सकें। कोई भी सवाल आपके सामने आए, आप सोचना सीखें, आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखें। सबसे जो हमारा पर्पस रहेगा इम्पॉर्टेंट, वो यही रहेगा। हम लोग क्रैश कोर्स ला रहे हैं आपके लिए UPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए, और यहाँ पर सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं आपको। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, CSAT, सभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो मेरा पूरा क्लास है इसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर आपने अगर नहीं देखा है पूरा लेक्चर 1, तो उसको नीचे से आप देख सकते हैं क्लिक करके। सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जो मिट्टी का पार्टिकल है वो धीरे धीरे लूज हो रहा है। लूज होने के बाद उसको कोई एजेंट उठा करके वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, या तो उसको हवा उड़ा करके ले जाए, या तो उसको पानी बहा करके ले जाए। ये जो पूरा प्रोसीजर है लूजनिंग और डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम इरोजन कहते हैं। यहाँ पर एजेंट कौन कौन हो सकते हैं? या तो हवा होगा, या तो वाटर होगा, या तो ग्लेशियर होगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सॉइल इरोजन। ये प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, जैसे कि जियोलॉजिकल इरोजन, मतलब कि अगर नेचुरली हो वो स्लो भी हो सकता है, मगर कभी कभी ये फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस देखी जाए, मान लो कि कोई घास का मैदान है, घास के मैदान में घास उगी हुई है, तो घास की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे हुए हैं, मिट्टी को लूज होने नहीं देगा, उसको इरोड होने नहीं देगा। मगर हम लोग अगर ये घास जला दें या काट दें, हटा दें, तो मिट्टी को पकड़े रहने वाली जड़ें वो तो ख़त्म हो जाएंगी, मिट्टी अब लूज होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो ऊपरी परत है, जो टॉप सॉइल है, वो धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा। ये जो अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, सेम प्रोसीजर हिमालयन स्टेट्स में और वेस्टर्न घाट में भी देखी जाती हैं। होता क्या है कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम पेड़ों को काटते हैं, तो मिट्टी जो होती है ना, वो लूज हो जाती है। ये जो लूज मिट्टी है वो ग्रेविटी के अंतर्गत, ग्रेविटी के प्रभाव में आती है और नीचे गिरती है। क्या होता है? ये मिट्टी नीचे गिरती है लैंडस्लाइड के रूप में। ठीक है, तो सॉइल इरोजन हो सकता है फास्ट भी, हो सकता है स्लो भी। अब अगर ये इरोजन वाटर के द्वारा किया जाए, उसको हम कहते हैं वाटर इरोजन। फॉर एग्जांपल, बारिश का जो समय है अभी आने वाला है गर्मी के बाद, बारिश में जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं और मिट्टी के पार्टिकल को बिखेर देती हैं। क्या करती हैं? मिट्टी के पार्टिकल पर छोटा सा फोर्स लगा करके उसको बिखेर देती। दिख रहा है वाला कैसे ये बड़े बड़े पार्टिकल लूज हो गए हैं? ये जो पार्टिकल है ना, यही लूज होने के बाद पानी के साथ बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पानी है, इसमें केवल पानी नहीं है, इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स भी हैं। अगर ये बह करके कहीं और चला गया, इसका मतलब क्या? वो मिट्टी इरोड हो गई, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। यहाँ पर रनिंग वाटर इरोजन एजेंट होता है। अगर वाटर गति में हो तो उसकी कैरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सुनना, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसी कारण से कोई भी नदी
जब अपने इनिशियल स्टेज में होता है कोई भी नदी, जब अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो उसकी गति बहुत ही तेज होती है, वेलोसिटी बहुत ही तेज होती है। वो बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को अपने साथ बहा करके ले जाती है, नीचे लाते लाते उसको तोड़ते फोड़ते हुए लेकर के आती है। जैसे ही ये नदी मैदानों में आती है तो चूंकि स्लोप कम हो गया, ढलान कम हो गई, इसी कारण से नदी का जो धारा है उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है, और गति कम होने के कारण सेडिमेंट धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। अंतिम स्टेज तक आते आते, मतलब जो नदी का मुख है वहां तक आते आते इतनी स्लो हो जाती है वाटर कि वहां पर अपना सेडिमेंट नीचे बिठाना शुरू कर देता है और डेल्टा का निर्माण होता है। सब बताएंगे अभी कैसे बनता है डेल्टा, ठीक है ना। ऑक्स बो लेक कैसे बनता है, मेंड्रिंग क्या होती है, मेंड्रिंग क्यों होती है, सब बताएंगे अभी, ठीक है ना। आगे आ रहा स्लाइड में सब कुछ। पहला होता है रेन ड्रॉप इरोजन। रेन का ड्रॉप गिरा, वाटर के पार्टिकल को उसने, जो मिट्टी का पार्टिकल को उसने बिखेर दिया। शीट इरोजन, शीट इरोजन का मतलब यह है कि मान लो कि कोई प्लेन मैदान है और उसका स्लोप कम है, ध्यान सुनना। शीट इरोजन वहां होगा जहां पर मैदान का स्लोप कम होगा, मतलब ढलान कम है। अगर ढलान ज्यादा हो गया तो वहां पर रिल इरोजन देखी जाएगी। ढलान क्या है, ज्यादा है, स्लोप ज्यादा हो गया, वहां पर रिल इरोजन देखी जाएगी। शीट और रिल के अलावा अगला टाइप होता है गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, लैंडस्लाइड, कोस्टल इरोजन, ग्लेशियल इरोजन। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहला है रेन ड्रॉप इरोजन। कुछ नहीं होता, बस पानी की बूंदें गिरती हैं, मिट्टी के पार्टिकल को बिखेरती हैं, बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर जो मिट्टी के पार्टिकल उसको बाहर ले चला जाता है। अगर वहाँ पर वेजिटेशन हो, मतलब वहाँ पर अगर वनस्पति हो, घास हो, तो मिट्टी को बांधे रहता है, उसको बिखरने नहीं देता। शीट इरोजन कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्लोप कम हो, ढलान ज़्यादा ना हो। यहाँ पर एक समान जो इरोजन है वो देखने को मिलता है, पता भी नहीं चलता और मिट्टी बह करके चला जाता है। जब रेनफॉल कंटिन्यूअसली होता है तो सॉइल को डिस्प्लेस कर देता है और वाटर को नीचे सीप होने से रोकता, मतलब नीचे रिसने से रोकता है, ठीक है। जब वाटर नीचे रिस नहीं पा रहा है तो वाटर अब फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाएगा। यही मिट्टी के पार्टिकल का डिटैचमेंट, उनका ट्रांसपोर्टेशन रेन वाटर के साथ, ये इरोजन कहलाता है, शीट इरोजन कहलाता है, ठीक है। अगर ये विदरिंग और इरोजन लेवल कर दिया पूरे फिगर को तो उसको हम प्लेन, उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम पेनी प्लेन कहते, जैसे कि देख रहे हो वाला, ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये पहले नुकीला हुआ करता था, उसमें अलग अलग तरह की इरेगुलरिटीज थी, मतलब उबड़ खाबड़ पूरा हुआ करता था। धीरे धीरे इरोजन होते होते ये पूरा एक समान समतल बन गया है, ये लेवल हो गया है, इरेगुलरिटीज खत्म हो गई हैं, इनको हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं, PENEPLAIN, पेनी प्लेन। ये जो चीज है उसको याद रखिएगा, टर्म क्या होता है पेनी प्लेन। अब देखो अगर स्लोप बढ़ जाए तो क्या करेंगे सर, वहां पर रिल इरोजन देखने को मिलता है। रिल क्या होता है, जब शीट इरोजन हो रहा होता है तो कहीं कहीं पर जमीन में थोड़े से ज्यादा गड्ढे बन जाते हैं, इस तरह का दिख रहा है आपको, इस तरह का जो गड्ढा है ना वो बन जाता है और इस गड्ढे से होकर के पानी फ्लो होता है, इसको हम लोग रिल कहते हैं। यही रिल अगर बड़ा हो जाए फैलते हुए तो उसको हम गली कहते हैं। तो रिल इरोजन का विकसित रूप गली इरोजन होता है। यही गली और इरोड होकर के, और बड़ा होकर के करके जो रिवरैन हो जाता है वो बन जाता है, बैडलैंड बन जाता है, गॉर्ज बनता है और कैनियन बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जब साइज बढ़ता है तो जो रिल है वो गली के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यही रिल और गली वो पूरे जमीन को काट देती है, उबड़ खाबड़ बना देती है और बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। जैसे कि चंबल की जो घाटी है ना, चंबल का जो घाटी है, देखो यहां पर ये चंबल वाला है, पान सिंह तोमर वाला चंबल वाला घाटी है, यहां पर
आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाटर कारण इरोड हुआ है और पूरा यहाँ पर घाटी बनी हुई है, देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से आप, ठीक है। तो पूरी जो मिट्टी है वो यहाँ पर इरोड हो चुकी है, टॉप सॉयल लूज हो चुका है, न्यूट्रिएंट की यहाँ पर काफ़ी कमी है, मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कमी है, इसी कारण से वहाँ पर कुछ खास अनाज उपजता नहीं है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है बैडलैंड का, बैडलैंड का ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक फिगर है, देखा आपने, ठीक है। हमने पढ़ लिया वाटर इरोजन, अब हम आते हैं विंड इरोजन पर। विंड इरोजन उन एरिया में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जो एरिड हैं, सेमी एरिड हैं, जो शुष्क हैं, सेमी शुष्क हैं, मतलब कि वहां पर बारिश कम होती है, वहां पर मॉइस्चर कम होता है। क्योंकि बारिश कम हो रही है तो जो मिट्टी है वो पूरा सूख जाता है, मिट्टी सूख जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी कारण से पार्टिकल टूट टूट के अलग हो रहे होते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण, और उस जो बॉन्ड कमज़ोर होने के कारण हवा उसको बहा करके ले जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ठंड, जैसे कि गर्मी में शाम के समय में रोड पर पानी छिड़कते हैं हम लोग, क्यों छिड़कते हैं पानी रोड पर, ताकि जो धूल है वो बैठ जाए, धूल उड़े ना। ये धूल कब उड़ेगा, जब अगली सुबह फिर से सूरज उगेगा, पूरा पानी सूख जाएगा, तो जो धूल है वो फिर से हवा के द्वारा उड़ाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो नमी है, नमी मिट्टी के पार्टिकल को बांध लेता है, उसको उड़ने ही नहीं देता, उसको इरोड होने नहीं देता। यहाँ पर एरिड एरिया में, सेमी एरिड एरिया में सूखा होने के कारण वहाँ पर उड़ा लिया जाता है, जैसे कि डिजर्ट में, वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसी कारण से हवा बहुत ही तेज चलता है, एक ही दिशा में चलता है और पूरी गति से चलता है। यहाँ पर जो उर्वर जमीन है उसको भी अनुर्वर बना दिया जाता है, मतलब कि जो टॉप सॉयल होता है ना खेत का, उसको उड़ा लिया जाता है। इसी कारण से खेत का जो एक छोर है यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि अगर इधर से हवा आ रहा है ना तो पेड़ के कारण उस हवा की गति कम जाए और ये मिट्टी उड़ने से बच जाए, ताकि मिट्टी का जो टॉप सॉइल है वो ना उड़े, समझ गए। अब विंड इरोजन के कारण बने हुए जो इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है वो कौन कौन से हैं, वो लैंडफॉर्म हैं प्लेटू, एलुवियल फैन, साल्ट पैन, ओएसिस, बार्चन, इंसेलबर्ग, पेडिमेंट, बट एंड मेसा। सवाल कैसे पूछेगा सर, सवाल पूछेगा इस तरह से, मेसा, पेडिमेंट, बार्चन, दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी डी आपको दे देगा। क्या लिखेंगे आप, विंड इरोजन, जो विंड इरोजन है उसके कारण बनता है। एल्यूवियल फैन कब बनता है, जब यहाँ से कोई नदी आ रही हो और नीचे जब नदी आती है ना तो अपना जो पूरा गाद है वो फैला देती है इस किनारे, क्या करता है अपने गाद को फैला देती है इस किनारे, और नदी फिर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्यूवियल फैन बनता है नदी के कारण, कब बनता है नदी के कारण बन, जैसे कि सोन नदी, बिहार में सोन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, सोन नीचे बहती है, ठीक है ना। जैसे कि मुगल सराय, आप जब गया से मुगल सराय जाएंगे, मुगल सराय मतलब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, गया मुगल सराय, उसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, फिर दिल्ली आएगा, तो मुगल सराय के पीछे ही एक पड़ता है डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन ये नदी का नाम है सोन, ठीक है ना। तो ये सोन नदी है वो इस तरफ है ऊपर में, कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, क्यों कहते हैं सर, कोसी हर साल अपना रास्ता बदलती है और रास्ता बदलने के कारण वो बाढ़ लेकर के आती है। सर ब्रह्मपुत्रा भी तो लाती है बाढ़ आसाम में, वो भी हर साल, वो क्यों आता है, ब्रह्मपुत्रा में हर साल बाढ़ क्यों आता है, देखो ब्रह्मपुत्रा में जो पानी है उसका अमाउंट बढ़ जाता है सेडिमेंट के कारण, सेडिमेंट के कारण जो नदी का तली है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका नदी का रिवर बेड है,
इसमें पूरा गाद जम गया, तो पानी अब इतना में ही रह पाएगा ना। अगर थोड़ा सा और गाद जम गया तो क्या होगा, पानी अब केवल इतना में ही रह पाएगा। जब ज्यादा अमाउंट में पानी आ जाए तो होता क्या है, पानी पूरा बाहर की ओर फैल जाता है और बाढ़ लेकर के आता है। तो सेडिमेंट के जमाव के कारण हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्लेन है वहां पर हमको बाढ़ आसाम में देखने को मिलता है। अब ये जो रनिंग वाटर है इसके द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म कौन कौन सा है, मतलब नदी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसके द्वारा मेंडर, ऑक्सबो लेक, पेनी प्लेन बनाया जाता है। अच्छा, पेनी प्लेन कैसे बना था विंड वाले एरिया, विंड वाले केस में पेनी प्लेन तब बना था जब सारे इरेगुलरिटी को खत्म करके पूरा प्लेन कर देगा, तो उसको हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि मेरा ध्यान उधर भटक रहा है तो वीडियो पॉज कीजिएगा, थोड़ा देर उधर देखिएगा और दोबारा वीडियो चालू करके आगे बढ़िएगा। और जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए या फिर कुछ छूट जाए, पंखा ताकने लग जाए आप, तो वीडियो पीछे करके दोबारा देखना उसको। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा यही होता है वीडियो लेक्चर का कि आप टीचर को दोबारा बुलवा सकते हैं पीछे करके वीडियो, क्लासरूम में बोलने की हिम्मत तो पड़ेगी नहीं है ना। डाउन कटिंग, और लेटरल इरोजन, ये दो तरीके होते हैं जिससे रनिंग वाटर अपना लैंडफॉर्म को बनाता है। जैसे कि डाउन कटिंग क्या होता है सर, डाउन कटिंग का मतलब ये होता है कि नदी अपनी नीचे तली को काट रहा है, इसको और गहरा बना रहा है, उसको और डीप बना रहा है। नीचे जो गहराई बढ़ेगी इसको हम कहते हैं वर्टिकल इरोजन। क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं वर्टिकल इरोजन। जब नदी की चौड़ाई बढ़ती है उसको हम लेटरल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेटरल इरोजन। तो नदी जब डाउन कटिंग करता है, अपना जब गहराई बढ़ाता है, तो वैली का निर्माण होता है, वैली और गहरी हो जाती है। मगर जब लेटरल इरोजन करता है, जब नदी अपना किनारे को बढ़ाता है, तो वैली और चौड़ी हो जाती है। ठीक है, डाउन कटिंग जो है वो नदी का जो यूथ स्टेज है उसमें काफी प्रोमिनेंट होता है, और जो लेटरल इरोजन होता है वो जो मेच्योर स्टेज है वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मतलब नदी जब पहाड़ से नीचे उतर जाती है, जैसे कि पता है ना आपको कि गंगा नदी हरिद्वार के नीचे जब आती है तो प्लेन में आ जाती है ना। गंगा जब हरिद्वार के नीचे आती है तो वो प्लेन में गुजरती है, प्लेन से होकर पास करती है, उस हरिद्वार के ऊपर में पहाड़ से गुजर रही होती है, तो वो उसका यूथ स्टेज है। नीचे आपका मेच्योरिटी उसका आ जाता है, नदी अपना मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि नदी का जो मेन वाटर चैनल है वो छोटे छोटे वाटर चैनल में बट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक मेन वाटर चैनल आ रहा होगा, ये बट गया इस वाले में, ये बट गया इस वाले में, ये बट गया इस तरह से, तो यहाँ पर तीन चार जो छोटे छोटे हैं उसमें बट जाता है। जैसे कि ये नदी आ रहा है, ये बट गया इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, तो इसको हम लोग ब्रेडिंग कहते हैं। वाटर चैनल का अलग अलग पतले पतले चैनल में बट जाना इसको हम लोग ब्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेडेड रिवर कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रिवर चैनल, यही है रिवर चैनल का नेटवर्क। ठीक है, और यहां पर आपको छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं, जैसे कि ये आइलैंड है ना, दिख रहा है आपको, ये वाला आइलैंड है एक। अच्छा बताओ, भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, रिवर आइलैंड भारत में सबसे बड़ा कौन सा है। उस रिवर आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, उस रिवर आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, उसका नाम एम से शुरू होता है। ठीक है, चलिए यहां पर ये बातें हो गई। अब रिवर वैली का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा। जो ग्राउंड, जैसे कि जो नदी है वो जब गुजर रही होती है तो वो वर्टिकल इरोजन करता है। क्या करता है, नदी गुजरते हुए वर्टिकल इरोजन करता है, अपनी तली को काटता है और रिवर वैली का निर्माण
करता है। यंग स्टेज में जो वैली होती है ज़्यादा गहरी होती है, पतली होती है और काफ़ी तेज़ ढलान वाली होती है। इसके साइड जो होते हैं ना उसका ढलान काफ़ी तेज़ इस तरह का होता है, वी शेप्ड होता है। वैली का प्रोफाइल, इसका मतलब ये है कि वो जो वैली है उसका शेप किस तरह का है। जो इरोजन है वो तली की ओर ज़्यादा होता है क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा होता है, तली को ज़्यादा काटता है। अ डीप नैरो वैली, इसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। वी शेप्ड वैली जब पूरा गहरा हो जाता है, थोड़ा सा नैरो रहता है, तो उसको हम गॉर्ज कहते हैं। और गॉर्ज अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कैनियन कहते हैं। देखो अभी मैंने आपको एक पीछे फोटो दिखाई थी कैनियन की, देखो दिख रहा है आपको, ये वैली है, इस तरह की वैली है। यही वैली अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये इस तरह का कैनियन बना लेता है, कैनियन यू शेप्ड का होता है, इस तरह से देख रहे हो ना, ये वाला इस तरह से है, ठीक है। तो ये कैनियन का निर्माण करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो आपने देख लिया कि गॉर्ज किस तरह से कैनियन बनता है। देखो जब नदी आगे की ओर जाती है, मतलब जो ढलान उतरती है, तो वहाँ पर लेटरल इरोजन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और जो नदी का जो प्रोफाइल है, वैली का जो प्रोफाइल है, जो पहले इस तरह का था, वो अब धीरे धीरे इस तरह का बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कटाव शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कटाव शुरू होता है और यूथ स्टेज में इस तरह का होता है और फिर मैच्योर होते होते ये नदी का जो है ना वो इस तरह का प्रोफाइल हो जाता है रिवर वैली का। देख रहे हो यहाँ पे ये यू शेप में बना हुआ है, पहले ये वी शेप में था, ठीक है। आपने देखा क्या होता है गॉर्ज, क्या होता है वी शेप्ड वैली, क्या होता है कैनियन और क्या होता है यू शेप्ड वैली, ठीक है। फोटो सबसे अच्छा माध्यम है जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने का। बिना फोटो के, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी पढ़ा नहीं जा सकता, ज्योग्राफी अच्छे से समझा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया है दोबारा कि किस तरह से वी शेप्ड वैली फॉर्म होती है, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये बस आपके लिए ये इमेज दिया गया है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, वैसे मैंने सब पढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिवर का कोर्स है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। रिवर अपने यूथ में कौन कौन से चीज़ों का निर्माण करती है, जैसे कि यूथ में वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, रैपिड बनाती है। आप जब हरिद्वार जाएं तो वहाँ पर रैपिड में जो नाव चलाते हैं ना, राफ्टिंग कहते हैं जिसको, उसका आनंद लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे कि जो नदी के अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें कौन कौन से चीज़ें बनाई जाती हैं। नदी जब अपने युवा अवस्था में होती है, यूथ स्टेज में होती है, तो नदी की धारा बहुत ही तेज़ होती है, नदी की धारा में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है, इसी कारण से इरोजन बहुत ही ज़्यादा होता है, वो भी वर्टिकल इरोजन, तली ज़्यादा काटती है। वैली वी शेप्ड की होती है, वाटरफॉल रैपिड बनाता है, जैसे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो जब हिमालयी एरिया में रहते हैं तो उसको हम यूथ स्टेज कहते हैं। धीरे धीरे ये नदी नीचे ढलान की तरफ आती है, नीचे मैदान की तरफ आती है, इस नदी का जो स्टेज होता है उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। चूंकि अब स्लोप कम हो गया है इसी कारण से धारा अब उतनी तेज नहीं है, ठीक है। धारा की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम गई है, एनर्जी इसका कम हो गया है। अब इरोजन इसके बेंड पे होता है। देखो अगर इस तरह से नदी जा रही है तो इसका जो आउटर बेंड है, आउटर मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट इरोड होगा, ये काट करके पहले यहाँ था ना, अबरी बार काट करके और यहाँ तक ले आएगा, ठीक है, फिर काट करके और यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आउटर एरिया है, आउटर वाला जो तट है, इसकी कटाई होती है और यहाँ पर डिपोजिशन होता है। क्या होता है? डिपोजिशन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ध्यान सुनिएगा, मैच्योरिटी वाले स्टेज में नदी का जो आउटर किनारा है वहाँ पर इरोजन होता है,
और जो इनर किनारा है उसको वहां पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। अच्छा, किनारा कौन सा, जहां पर मुड़ रहा होगा ना वो वाला, जैसे कि नदी यहां पर ऐसे मुड़ रही है, तो ये इसका आउटर हो गया और ये इसका इनर हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, नदी इस तरह से मुड़ रही है, तो ये इसका आउटर हो गया और ये इसका इनर हो गया, ठीक है। तो देखना कि किधर से मुड़ रहा है, क्लियर बात है। लूप किस तरह का बन रहा है, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन है, जैसे कि इधर गंगा जी का प्लेन है, उधर ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, वहां पर हमें इस तरह का इरोजन देखने को मिलता है। ओल्ड स्टेज में क्या बनता है सर, ओल्ड स्टेज में जो डेल्टा है इसका निर्माण होता है, नदी के मुख पर सेडिमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है और टेम्पररी आइलैंड, रिवराइन आइलैंड मैंने बताया था ना अभी, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है बीच में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है मांजुली, तो वो जो आइलैंड है उसका निर्माण होता है। अंतिम में जा करके जब गाद डिपॉजिट करता है तो वहां पर आपको डेल्टा का निर्माण होता है। क्या है, डेल्टा का निर्माण होता है। जो मैंने पूछा था सवाल अभी ना, उसका आंसर माजुली है, वो रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्र पर, आसाम पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो ये हुआ कि नदी अपने अलग अलग स्टेज में क्या क्या बनाता है, इसको हम समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं। नदी का जो अपर कोर्स है, नदी का जो अपर कोर्स है, युवा अवस्था है, वहां पर वी शेप्ड वैली बनेगा, इंटरलॉकिंग स्पर्स होंगे, मतलब कि इस तरह से यूं यूं चलेगा। ये पता है क्या मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से बिना फोटो दिखाए काम नहीं चलेगा। इधर देखो, दिख रहा है ये वाला, ये इस तरफ से है, ये इस तरफ से है, फिर इस तरफ से है, इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। क्या कहते हैं इसको, इंटरलॉकिंग स्पर्स, मतलब किस तरह से, मतलब उसको इंटरलॉक कर रहा है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। वाटरफॉल, गॉर्ज, ये सब युवा अवस्था में बनेगा। जो मिडिल कोर्स होता है, मेच्योरिटी होती है, वहां पर मेंडर करता है नदी। मेंडर करने का मतलब ये होता है कि मटक के चलता है थोड़ा सा, मतलब चलती है थोड़ा सा यहाँ पे नदी, स्त्रीलिंग होती है हिंदी भाषा में, नदी स्त्रीलिंग भाषा में, मतलब हिंदी में स्त्रीलिंग होती है, फेमिनिन जेंडर। तो मेंडर जो होती है वो, देखो यहाँ पे ये नदियाँ जो है ना वो मुड़ करके चलती हैं, रिवर क्लिफ बनते हैं, स्लिप ऑफ स्लोप बनते हैं, और अपने ओल्ड स्टेज में, लोअर कोर्स में, ऑक्स बो लेक का निर्माण करती हैं। मेंडर जो है ना, मेंडर होते होते कट जाता, अभी मैं तुरंत बताऊँ क्या होता है मेंडरिंग और कैसे बनता है ऑक्स बो लेक, कट जाता है और झील बन जाता है वहाँ पे, फ्लड प्लेन, लेवी और डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि कैसे ऑक्स बो लेक बनता है। ये जो नदी का मुड़ करके चलना है इसको हम लोग मेंडरिंग करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेंडरिंग कहते हैं। कई कई बार होता क्या है कि ये जो किनारा है ये थोड़ा सा और काटता है, ये और काटता है, थोड़ा सा और काटता है, थोड़ा सा और काटता है, काटते काटते ये वाला पूरा जुट जाता है। क्या होता है, ये वाला पूरा जुट जाता है और ये झील अलग हो जाती है और नदी इस तरह से गुजर जाती है। ये जो है ना, ये गाय का खुर के समान दिखाई देता है। गाय का आपने देखा है पैर, उसमें खुर इस तरह का होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्स बो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्स बो लेक कहते हैं। अब गाय का खुर, बैल का खुर एक ही समान होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, आदमी का और महिलाओं का पैर एक समान ही होता है, पांच उंगलियां होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये बातें हो गई, ऑक्स बो लेक कैसे बनता है ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए। रिवर का जो अपर कोर्स है, गॉर्ज, रैपिड, वाटरफॉल, रिवर कैप्चर, मिडिल में इंटरलॉकिंग स्पर्स, मेंडर, रिवर क्लिफ, और लोअर कोर्स में फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक और डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अब डेल्टा के बनने के क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, अभी हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है ये बताऊंगा, डेल्टा बनने के खास परिस्थितियां क्या हैं। आपको पता है ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा, दे डू नॉट फॉर्म डेल्टा, व्हाई, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट।
तो आप कमेंट में उसको बताइए कि क्या क्या कारण है उसके पीछे, और इसको हम पढ़ेंगे क्लास में। अभी थोड़ा सा हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा है, केव, आर्क, स्टैक और स्टंप, ये जो लैंडफॉर्म हैं वो किनके एक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, किनके द्वारा बनाया जाता है? ग्लेशियर, विंड इन डिजर्ट, वेव, रिवर वाटर। तो ध्यान सुनिएगा, ओशियन का जो तट होता है वहाँ पर वेव एक्शन के जरिए ये केव स्टैक बनाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब वेव धीरे धीरे पत्थर को तोड़ना शुरू करता है तो क्रैक यहाँ पर हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर क्रैक बन जाता है, यही क्रैक बड़ा होकर के गुफा बन जाता है। इसी गुफा में, आपने मूवी देखी है कास्ट अवे, कास्ट अवे ये इनका है, मैं नाम बोल रहा हूँ, टॉम हैंक्स, टॉम हैंक्स इनकी मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हो तो। तो यहाँ पर ये जो केव होता है वो है, ये जो केव होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो करके इस तरह का बन जाता है। मतलब कि अगर इस तरफ से भी गड्ढा हो गया और इस ये जो है ना टीला, इसके उस तरफ से भी अगर गुफा बन जाए, मतलब इधर से गुफा बन गया, इधर गुफा बन गया, और दोनों गुफा अगर मिल जाए अंदर आकर के, तो पूरा एक ऐसा एक इस तरह का बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? आर्क। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं इसको आर्क, आर्क बन गया। और फिर आपका बन जाता है यहाँ पर स्टैक। तो केव, आर्क, स्टैक और स्टंप, ये सारे लैंडफॉर्म है, किनके द्वारा बनाए गए? वेव के द्वारा बनाए गए। अगला सवाल, रिवर डेल्टा, द डिपोजिट मेकिंग अप अ डेल्टा आर पुअरली सॉर्टेड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। देखो, डेल्टा जब नदी बनाती है तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होते हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉर्टेड होते हैं और स्ट्रेटिफाइड होते हैं। मतलब कि जो मोटे दाने होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाता है और जो महीन महीन पार्टिकल होता है मिट्टी का वो ऊपर की ओर रहता है। जैसे कि आप क्या करो, जैसे कि आप थाली में मिट्टी ले लो, उसको मतलब जो होता है ना उसको थोड़ा तुम हिलाओ, तो क्या होता है, मिट्टी के जो मोटे पार्टिकल जाकर नीचे बैठ जाता है और जो महीन दाना होता है वो उसके ऊपर आ जाता है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि डिपॉजिट यहाँ पर सॉर्टेड होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। तो पहला गलत मतलब क्या, ए, बी और डी उड़ गया। क्या आंसर आ गया जी? सी अपने आप आंसर आ गया, मैंने बी और सी देखा भी नहीं। वैसे डेल्टा जब ग्रो होता है ना तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं वो और लंबी होती हैं। सोचो ये सब इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। देखो, नदी यहाँ पर आया, ये अलग अलग जो नैरो स्ट्रीम है ना उसमें बंटना शुरू हो गया, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। अगर ये डेल्टा यहाँ तक आ जाता, फिलहाल डेल्टा यहाँ तक है, अगर डेल्टा यहाँ तक आ जाता तो क्या होता, इस नदी की लंबाई और बढ़ जाती, इसकी लंबाई और बढ़ जाती, इसकी लंबाई और बढ़ जाती, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो जब डेल्टा ग्रो होता है तो डिस्ट्रीब्यूटरी की लंबाई बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। दूसरा सही है, गंगा डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरी दुनिया में, सुंदरबन जो हमारा है, सही बात है ये भी। तीसरा सही है, दो और तीन सही है, सी आंसर है आपका। अगला सवाल, सॉइल इरोजन जो मैंने पढ़ाया आपको उस पर सवाल है, गली इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड आफ्टर हैवी शावर। मैंने क्या बताया था, गली इरोजन वहां पर होता है जहां पर ढलान ज्यादा हो, ना कि लेवल लैंड। ठीक है, शीट इरोजन वहां पर होता है जहां पर ढलान कम हो, ना कि स्टीप, ढलान कम होना चाहिए। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, आंसर हो गया जी डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। यहां पर देखिए किस तरह से रेल बन रहा है, क्योंकि यहां पर ढलान ज्यादा तेज है, ढलान ज्यादा तेज है यहां पर। ठीक है, यही जो है ना वो और मोटा होकर के गली का निर्माण करता है, रेल मोटा होकर के गली का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। देखो किस तरह से पानी का जब ड्रॉप पड़ा है तो जो महीन महीन पार्टिकल है ना उसको बहा करके लेके चल गया है, और जो बस मोटे मोटे दाने हैं वही रह गए हैं मिट्टी में, खुरदरी मिट्टी जो बनती है वहां पर। ठीक है, शीट के बाद रिल होता है, रिल के बाद आपका गली इरोजन देखने को मिलता है। अगला, इनमें से कौन कौन से राज्य अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करते? तो ध्यान से देखना, यहां पर त्रिपुरा,
तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या है? त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम का भी ये वाला पार्ट बांग्लादेश से लगता है, मणिपुर का नहीं लगता। मणिपुर म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो क्या आंसर हो गया जी? डी, मणिपुर। त्रिपुरा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय भी करता है और मिजोरम भी करता है, ठीक है, मणिपुर यहां पर नहीं करता। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देना, अभी म्यांमार काफी न्यूज में है क्योंकि वहां की जो आर्मी है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है और सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। तो यूपीएससी सवाल पूछ सकता है आपसे इस तरह से कि इनमें से कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या करते हैं? कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो यहाँ पर मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है ना। तो ये जो राज्य हैं वो मणि जो वो हैं वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। मणिपुर में एक जगह है मोरे है। ये मोरे काफी कुख्यात है ड्रग स्मगलिंग के लिए। किसके लिए? ड्रग स्मगलिंग के लिए। म्यांमार से ड्रग मोरेह में आता है और मोरेह से पूरे भारत में इस ड्रग को फैलाया जाता है। तो आप जब मेंस के लिए GS3 पढ़ रहे होंगे ना, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ना है आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में पढ़ना है। यहां पर आपको ड्रग स्मगलिंग पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि मोरे में हमें मेन चैलेंज है वहाँ पे। अगला सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्य से होकर पास करता है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय। याद रखना एक बात, इसका एक ट्रिक है। आपको पता है कि बिहार में गमछा हम लोग यूज़ करते हैं, टॉवेल मोटा वाला होता है, जो तौलिया होता है ना वो मोटा होता है। वही कपड़े को अगर पतला कर दो, जो रहते हैं ना वो बांधे हुए मुंह पे आप कभी कभी या फिर कंधे पर टांगते हैं, गमछा जो होता है अपना वो, तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ऐसा करके बस याद रखने के लिए ट्रिक है। या क्योंकि यहाँ पर आपके 8 राज्य हैं, 8 राज्यों को याद रखना मुश्किल होता है। देखो, गुजरात, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा, ठीक है ना, मिजोरम त्रिपुरा, ये 2 राज्य हो गए, ठीक है। पर गमछा, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, और झा से हो गया झारखंड, 5, 6, ठीक है। और प र, र से हो गया आपका राजस्थान, और प से क्या हो रहा था जी? प से पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, प से आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपके जो 8 राज्य हैं वो आप आराम से याद रख सकते हैं। बस ये ट्रिक याद रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने कई ट्रिक सारे ट्रिक बताया है आपको, जैसे कि हिमालय का रेंज है वो याद रखने का ट्रिक है, कल जाना पीने दूध या दारू, अब जो भी आपको मन करे, क्या है, कल जाना पीने दूध, ठीक है। तो कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजाल, धौलाधार, ये सब ट्रिक हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करने के लिए सवाल दे देता है कभी कभी, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बिहार से नहीं गुजरता ना, झारखंड से गुजरता है, मेघालय से नहीं गुजरता है ना, वेस्ट बंगाल से गुजरता है, और नीचे आपका जो त्रिपुरा है और मिजोरम है वहां से गुजरता है। तो 4-5 तो गलत हो गया आपका, क्योंकि मित्र पर गमछा झार में बिहार आ रहा है ना, झारखंड ना आपका मेघालय आ रहा है। 1, 2 एंड 3 बी आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर ये बातें हो गई। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन से पासेज वेस्टर्न घाट में हैं और जिनको आपको अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ की ओर आते समय, मतलब ये साउथ से
नॉर्थ की ओर आते हुए अरेंज कीजिए। ऊपर से नीचे नहीं पूछ रहा है, नीचे से ऊपर पूछ रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान से आप देखो। अच्छा एक बात और, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ये तीनों भोर थाल भोर थाल पाल, ये आपका वेस्टर्न घाट में है, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो अगर सवाल दे आगे इस तरह से आपको कि निम्नलिखित में से कौन कौन से घाट वेस्टर्न घाट में हैं, आप आंसर निकाल लेंगे। क्यों पूछेगा? क्योंकि गोरम घाट ऊपर है, हल्दी घाटी घाट मतलब पास ऊपर है, ठीक है ना। यहां पर आपका जो थाल घाट है वो सबसे ऊपर, यहां पर थाल घाट हो गया वेस्टर्न घाट में। थाल घाट क्या, यह पास है, मतलब जो होता है ना दर्रा कैसे, जहां से आप पास कर सकते हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट इज मोर कंटिन्यूअस, इट इज मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। क्यों सर? क्योंकि ईस्टर्न घाट में नदी नदी डाइसेक्ट करती है और घाट को काट देती है, घाट को काट देती है, इसी कारण से वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट कम कंटिन्यूअस है। थाल ऊपर हो गया, भोर यहां पे हो गया और नीचे में पाल घाट हो गया। तो नीचे से पाल घाट तीसरा, फिर क्या आएगा, भोर घाट वन, ठीक है ना, थ्री के बाद वन, फिर आएगा आपका थाल घाट जो कि है दो, तो तीन एक दो, तीन एक दो पहला आंसर है, तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं, भोर थाल पाल आपके वेस्टर्न घाट में घाट हैं। अच्छा, पीडीएफ को मिल जाएगा, जो पीडीएफ है लेक्चर का वो मिल जाएगा आप टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस लिंक क्लिक करेंगे आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए एक सवाल है, टाइडल एनर्जी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको कि टाइडल एनर्जी कैसे बनता है, किस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से और क्या फ़ायदा होता है, हम सबसे मेन तो वही बात है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में।